हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एज मेल सेक्स सेल इज स्पर्मेटोजोआ, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दिस lecture I will discuss the complete process of spermatogenesis. The process of spermatogenesis occurs in the testis. Inside the testis, highly convoluted ducts are present. These highly convoluted ducts are seminiferous tubule. If we see the TS of seminiferous tubule, then in the seminiferous tubule टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑब्जर्व। अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि हाईली पॉइंट स्ट्रक्चर है टेस्टिस के अंदर में, इसके टीएस को ऑब्जर्व करेंगे तो इसके टीएस में दो टाइप के सेल्स दिखेंगे आपको। कुछ सेल्स बड़े बड़े साइज के, और कुछ सेल्स इसके बगल में छोटे छोटे साइज के भी दिखेंगे। जो सेल्स बड़े बड़े साइज का दिख रहा है, दीज सेल्स, ये सेल्स दिखेंगे, और कुछ सेल्स इसके बगल में छोटे छोटे साइज के भी होंगे। इस तरह से इसके अंदर में ये दो टाइप के सेल्स दिखेंगे। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का लिमेन होगा, और ये बड़े साइज का सेल्स, और ये इसका साइटोप्लाज्म होगा। ये बड़े साइज का सेल और उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, और इसके बगल में छोटे छोटे साइज के सेल्स। तो यहाँ पर ये जो बड़े साइज के सेल्स दिख रहे हैं, दिस लार्ज साइज सेल्स आर कॉल्ड सर्टोनी सेल्स। दिस लार्ज साइज सेल्स आर सर्टोनी सेल्स, और जो छोटे छोटे साइज के सेल्स इसके बगल में दिख रहे हैं, दीज आर जर्म सेल्स। दीज आर जर्म सेल्स। तो सर्टोनी सेल्स और जर्म सेल्स दिखते हैं, ये क्या इसका लिमिट है जहां पर खाली जगह। इसके बगल बगल में सेमी टीएफेरस टिब्यूल के बगल में आपने लेडिक्स सेल्स का नाम सुना था, तो लेडिक्स सेल्स भी हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी है, ये सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। यहाँ पर जो दो टाइप के सेल्स हैं, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, इसमें जर्म सेल क्या है, सर्टोली सेल्स क्या है, पहले इसको क्लियर करते हैं। जर्म सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच डिफर्स फ्रॉम अदर सेल्स बिकॉज दीज जर्म सेल अंडर गोज मियोसिस डिविजन टू प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड गैमेट्स। सो जर्म सेल हम ऐसे स्पेशल टाइप के सेल्स को कहते हैं जो कि मियोसिस डिविजन करके फोर हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करे। चाहे वो मेल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मेल गैमेट होगा, फीमेल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फीमेल गैमेट होगा। सो जर्म सेल डिप्लॉइड सेल्स, लाइनिंग इसकी वाइटल एपिथेलियम की बनेगी, कि वाइटल सेल्स, और ये सेल्स क्या कर सकते हैं, अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड सेल्स। और सर्टोली सेल्स क्या है, तो दीज सर्टोली सेल्स आर जस्ट सोमेटिक सेल्स। ये हमारे बॉडी के बाकी जितने सेल्स होते हैं सोमेटिक सेल्स कहते हैं, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बाकी के सोमेटिक सेल्स के जैसे हैं। दिस सोमेटिक सेल सर्टोली सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट। This Sertoli cell was discovered by Italian histologist Enrico Sertoli. किसने डिस्कवर किया है? Enrico Sertoli ने डिस्कवर किया। इसके नाम को ऑनर करने के लिए सेल्स का नाम पड़ गया Sertoli cells। ये खास तरह के सेल्स हैं जो बड़े साइज के पिरामिडल सेट सेल्स हैं, और ये सेल्स पिरामिडल शेप हैं जिसके पास सफिशियंट नरिशमेंट होता है। ये नरिश करता है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू
provides nourishment to germ cells. और जर्म सेल्स डिविजन करने के बाद जितना एडवांस स्टेज में जाता जाएगा सारे स्टेज के सेल्स को ये सर्टोली सेल्स नरिश करता है, इसलिए ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, देख रेख करता है जर्म सेल्स का, जर्म सेल के डिविजन से बनने वाले सेल्स का, इसलिए सर्टोली सेल्स को सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नॉट एज सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल, देखभाल करता है ये, इसलिए इसको कहते हैं नर्स सेल. These Sertoli cells are also called sustentacular cells. Sustentacular cell sustain करता है इसके ऊपर, ये लाइट को सस्टेन करवाता है किसके जर्म सेल के, इसलिए इसको sustentacular cells कहते हैं या इसको sustento sites भी कहते हैं. तो ये नर्स सेल भी हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी हैं, सस्टेंटोसाइट्स भी हैं, और ये सेल्स हैं क्या, तो दीज आर सोमैटिक सेल्स, जस्ट दीज आर सोमैटिक सेल्स विच नरिशेस द जर्म सेल्स विच इज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर हो गया. तो ये था टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल थी उसके लाइनिंग में जो सेल्स थे उनके बारे में सुना, कि वहां पर दो सेल्स थे जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, दोनों का फीचर आपको क्लियर हो गया यहाँ से, दोनों का फीचर कि सर्टोली सेल्स क्या है और जर्म सेल्स क्या है, दोनों के फीचर को आपने क्लियरली ऑब्जर्व किया. नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इन मैकेनिज्म अगर हम पूरा देखें तो मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस of spermatogenesis is completed in two phases. First is formation of spermatid and second is formation of spermatozoa. Second is formation of spermatozoa. So let's see how formation of spermatid and formation of spermatozoa occurs. Yeah? तो पहला स्टेज हम लोग देखेंगे formation of spermatid. इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटीड में जब हम स्पर्माटीड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर फिर से थ्री सब फेजेस होंगे. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटीड थ्री सब फेजेस अकर्स. द फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लीकेटिव. फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लीकेटिव फेज. Second phase is growth phase. And third is maturation phase. So, जब हम स्पर्माटिड का formation करते हैं during formation of स्पर्माटिड first stage three sub phases occurs. These sub phases are multiplicative phase, growth phase and maturation phase. ये तीन sub stages होंगे multiplicative, growth और maturation. नाम से देखिए multiplicative का मतलब क्या, what does the word multiplicative means? Multiplicative means number को increase करना ना. तो इस फेज में जब हम multiplicative, पहले हम लोग क्या करें spermatogenesis के steps को देख रहे हैं. The process of spermatogenesis is completed in two main phases. First is formation of spermatid and second is formation of spermatozoa. जब पहला स्टेज formation of spermatid, एक एक स्टेप को बहुत आराम से समझ के डिस्कस करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, इसलिए इसको बहुत क्लियर समझते हैं पहले.
दो पार्ट में कंप्लीट होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। क्या होता है स्पर्मेटिड वो अभी आपको दिखेगा, और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। तो पहला फेज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, जिसमें फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज, थर्ड इज मैच्युरेशन फेज। लेट स्टार्ट मल्टीप्लिकेटिव फेज। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव फेज को देख रहे हैं तो जो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर जर्म सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स, सोमेटिक सेल्स हैं, वो कोई डिवीजन नहीं करना है उसको, सिर्फ नरिश करना है। तो जो जर्म सेल्स हैं वो जर्म सेल्स को प्राइमोडियल जर्म सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। ये प्राइमरी जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल डिवीजन करेगा कैसा, मल्टीप्लाई करना, नंबर इंक्रीज करना है, इसलिए ये डिवीजन माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के बाद ये फॉर्मेशन करेगा स्पर्मेटोगोनिया। यानी जो जर्म सेल्स थे पहले इसमें मल्टीप्लिकेटिव फेज के दौरान डिवीजन हुआ माइटोसिस, और इस माइटोसिस डिवीजन के बाद फॉर्मेशन किया डॉटर सेल्स का। दिस डॉटर सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। चूंकि माइटोसिस हुई है इसलिए अभी सारे सेल्स कैसे चल रहे हैं, ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड। When male attains puberty, in the influence of some pituitary hormones, for example, FSH, ICSH, etc. सुनेंगे इसके बारे में हार्मोनल कंट्रोल में, अभी सुन लेते सिर्फ नाम। ये दो हार्मोन प्यूबर्टी मेल में 13 ईयर्स के एज में शुरू होती है, तो ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये स्पर्मेटोगोनिया फिर से डिविजन करता है, और डिविजन करके ये फिर से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब जो ये डॉटर सेल्स बनाता है ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट करता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप एंड स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप, स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप एंड स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद एफएसएच और आईएसएच के इन्फ्लुएंस में द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है इसका साइज भी इंपॉर्टेंट है, इट इज अप्रोक्स 12 माइक्रोमीटर, ये 12 माइक्रोमीटर के आसपास का होता है, और ये हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में डिविजन करता है माइटोसिस, और नंबर को इंक्रीज करता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो दो टाइप के, क्योंकि माइटोसिस के बाद दो सेल्स बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप एंड स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप इज, दिस स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप इज कॉल्ड स्टेम सेल्स, दीज आर कॉल्ड स्टेम सेल्स और आर कॉल्ड मदर सेल्स, और आर कॉल्ड मदर सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स है और ये मदर सेल्स क्या है, तो पहले सुनते स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप क्या बनेगा, पहले ये सुनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप बनेगा प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर सेल्स, यानी ये सेल्स रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन करेंगे जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेगा, इसलिए इसको प्रोजेनिटर सेल कहेंगे। ये क्या है, तो ये प्रिकर्सर है स्पर्मेटोजोआ का, प्रिकर्सर मतलब होता है रॉ मटेरियल जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेगा। सो स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप और बी टाइप जो प्यूबर्टी में बने, इसमें से ए टाइप विल फॉर्म स्टेम सेल्स एंड बी टाइप विल फॉर्म प्रिकर्सर, इट इज प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इट विल फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, ये बाद में क्या करेगा स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। अब देखो स्पर्मेटोजोआ जब मेल में बनेगा तो ये स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद एपिडिडाइमिस में जाएगा, आपने सिस्टम थोड़ा सुना था पहले, एपिडिडाइमिस में इसको स्टोर करते हैं, और इसके बाद इसको हम वासा डिफरेंसिया से होकर के वासा डिफरेंसिया ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो स्पर्म तो हमारा खत्म हो गया, बॉडी से बाहर रिलीज हो गया, अगर रिलीज नहीं करते तो भी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्पर्मेटोजोआ हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर स्पर्मेटोजोआ की और जरूरत पड़ेगी, तो हमारे बॉडी में जब स्पर्मेटोजोआ खत्म होगा तो रिक्वायरमेंट होगी स्पर्मेटोजोआ की। इस कंडीशन में ये ए टाइप स्पर्मेटोजोआ फिर से डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके ये फिर से ए और बी टाइप का फॉर्मेशन कर लेगा, फिर से ए टाइप डिफरेंशिएट करके स्टेम सेल बनेगा और बी टाइप प्रोजेनिटर बनेगा। क्लियर।
क्लियर हो गया। ये स्टेम सेल्स क्यों बने? ये स्टेम सेल्स जरूरत के हिसाब से जब स्पर्मेटोजोआ खत्म होगा तो डिवाइड करेगा, फिर से ए टाइप और बी टाइप का फॉर्मेशन करेगा, ए टाइप फिर से स्टेम बन जाएगा, बी टाइप फिर से नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप और ए टाइप जो मल्टीप्लिकेटिव फेज में बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट द सेकेंड स्टेज इज ग्रोथ फेज। नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ फेज। व्हाट अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ फेज? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ग्रोथ फेज? इस फेज में, ग्रोथ फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप है, दिस स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप हमारा क्या करेगा? तो ये नरिशमेंट रिसीव करेगा सर्टोली सेल्स से, और नरिशमेंट कर लेने के बाद ये ग्रो कर जाएगा, इसलिए फेज का नाम हो गया ग्रोथ फेज। तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप था, छोटा सा स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप, ये स्पर्मेटोगोनिया बी था, ग्रोथ फेज में जब आया तो ये स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप जब ग्रोथ फेज में आ गया तो ड्यूरिंग ग्रोथ फेज ये सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट लेकर बड़े साइज का इतना बड़ा सेल्स बन गया, पहले से डबल से भी ज्यादा बड़े साइज का सेल्स बन गया। और इस बड़े साइज के सेल्स को हमने कह दिया, इसका नाम रख दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस लार्ज साइज सेल इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, क्लियर करते चलो, कहीं पर भी मियोसिस नहीं हुई है इसलिए अभी सारे सेल्स डिप्लॉइड है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, बना। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो यहाँ पर बना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने का प्रोसेस ग्रोथ फेज है। इस फेज को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं। और इस फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये लार्ज साइज का हो गया, इसके पास सफिशियंट न्यूट्रिएंट हो गया, इसके पास सारे मियोटिक फैक्टर एक्यूमुलेट कर गए। जब ये मियोटिक फैक्टर का एक्यूमुलेशन कर गया, बड़े साइज का हो गया, तो अब ये नेक्स्ट फेज में एंटर कर सकता है। एंड द नेक्स्ट फेज इज मैचुरेशन फेज। नेक्स्ट फेज क्या है? मैचुरेशन फेज। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड में अभी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव फेज ग्रोथ फेज देख चुके, अभी हम लोग मैचुरेशन फेज को स्टडी करने वाले हैं कि मैचुरेशन फेज क्या होता है। तो मैचुरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो बड़े साइज का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल स्टार्ट मियोसिस डिवीजन। अब ये मियोसिस डिवीजन शुरू करेगा, और याद रखना है गैमेटोजेनेसिस में हम लोग मियोसिस डिवीजन पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है, लेकिन ये मियोसिस डिवीजन भी सिर्फ मैचुरेशन फेज में होता है, बाकी जो भी फेज होता है हर फेज में हमारा माइटोसिस ही होता है, मेन मियोसिस डिवीजन हमारा मैचुरेशन फेज में होता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करेगा, मैचुरेशन फेज में आ गया, ये मियोसिस फर्स्ट करेगा। एंड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, इसके बाद इसके पास बता दो क्रोमोसोम नंबर 2 है ना, कितना होगा क्रोमोसोम में? नहीं है 44+XY, यही क्रोमोसोम होगा इसके पास। ये मियोसिस फर्स्ट करेगा तो ये दो सेल का फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म टू सेल्स, होता है ना मियोसिस फर्स्ट के बाद दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। जो दो हैप्लॉइड सेल्स बने, इसके पास क्रोमोसोम कितना होगा? 22 हाफ हो जाएगा प्लस एक्स एक सेल के पास, और 22+Y दूसरे सेल के पास हो जाएगा, हैप्लॉइड हो गया। इसका आधा क्या? 44 का आधा 22 हो गया, एक्स वाई को आधा कर दिया तो एक में एक्स गया एक में वाई गया। ये मियोसिस फर्स्ट के बाद बना, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद। नेक्स्ट, अब ये दो सेल्स मियोसिस सेकेंड डिवीजन करेंगे, दिस टू सेल्स अंडरगोस मियोसिस सेकेंड।
अब ये मियोसिस सेकेंड करेगा। हाँ, इसका नाम क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीजन से जो दो हैप्लॉइड सेल्स का नाम दो जो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसका नाम क्या होगा बोलो? सेकेंडरी, प्राइमरी था वो, ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ फिर से देखो, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, इसके पास 22 प्लस एक्स था और इसके पास 22 प्लस वाई था, हो गया। ये दो हैप्लॉइड सेल्स हैं जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये दो सेल्स मियोसिस सेकेंड करेंगे। दीज टू सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगोस मियोसिस सेकेंड डिवीजन टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड सेल्स। ये क्या बनाइए? दो, एक से दो बनेगा, फिर इससे भी दो बनेगा। ये टोटल चार हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। ये हैप्लॉइड सेल जिसमें एक के पास 22 प्लस एक्स, इसके पास भी 22 प्लस एक्स, इसके पास 22 प्लस वाई, इसके पास भी 22 प्लस वाई, ये हमारा बनकर तैयार हुआ। फोर हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मास्टिट। दीज फोर हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मास्टिट। ये क्या बन गए हमारे? स्पर्मास्टिट का फॉर्मेशन हो गया। ये चार स्पर्मास्टिट बने। चार स्पर्मास्टिट में दो के पास एक्स है और दो के पास वाई है। बाद में ये स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होगा। जब ये स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होगा तब ये दो एक्स एक्स वाले क्या बनेंगे? तो ये बनेंगे गाइनोस्पोर, गाइनोस्पोर्म, एंड दिस वाई कंटेनिंग विल फॉर्म एंड्रोस्पर्म। तो इन मेल सिस्टम टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ डेवलप्स। फर्स्ट इज एक्स कंटेनिंग, सेकेंड इज वाई कंटेनिंग। द एक्स कंटेनिंग इज कॉल्ड गाइनोस्पर्म एंड द वाई कंटेनिंग इज कॉल्ड एंड्रोस्पर्म। ये था फर्स्ट फेज जिसको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मास्टिट में पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मास्टिट, चार स्पर्मास्टिट का फॉर्मेशन हुआ। नॉर्मल सेल्स हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको जो डिस्टिंक्ट स्पर्मेटोजोआ है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दीज आर जस्ट नॉर्मल सेल्स, और ये नॉर्मल सेल्स स्पर्मेटिक सेल्स हैं जो दो टाइप के बाद में डिफरेंशिएट होकर बनेंगे। अभी आपने स्पर्मेटोजोआ को देखा है, एक नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो आपको एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ सेल आपको दिख नहीं रहा है, बल्कि आपको जो सेल्स दिख रहा है ये ऐसे राउंडेड सेट सेल्स दिख रहे हैं। अभी इस स्ट्रक्चर को हमें इस फॉर्म में लाना है। दिस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे उसको हम कहेंगे सेकेंड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सेकेंड फेज इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जब हम स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे, जो बना हुआ स्पर्मास्टिड है, दिस स्पर्मास्टिड विल ट्रांसफॉर्म इन टू स्पर्मेटोजोआ। दिस स्पर्मास्टिड विल ट्रांसफॉर्म इन टू स्पर्मेटोजोआ। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा? तो जैसे ही ये चार स्पर्मास्टिड बनेंगे, ऑल द फोर स्पर्मास्टिड विल इम्बीड इट्सेल्फ इन द मेम्ब्रेन ऑफ सर्टोली सेल्स। ये जितने बनेंगे ये सब के सब सर्टोली सेल्स में जाकर धंस जाएंगे, और सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट लेंगे। सर्टोली सेल का नरिशमेंट इसको मिलेगा, और जब सर्टोली सेल्स का नरिशमेंट मिलेगा तो ऑलमोस्ट लगभग 2 मंथ्स तक ये यहाँ पर और डेवलप होता रहेगा, और डेवलप होते हुए ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके निकलेगा ये स्पर्मेटोजोआ के फॉर्म में, ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। तो
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ऑफ स्पर्मेटिड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस और स्पर्मायोटेलियोसिस, इज कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस और